तो प्यारे साथियों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम सैमसंग गैलेक्सी S22 के कुछ कैमरा सैंपल देखेंगे और जानेंगे कि अलग अलग कंडीशन में सैमसंग गैलेक्सी S22 का कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। मैं कुछ दिनों से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इन दिनों मैंने जो जो क्लिप्स इस फ़ोन से ली है मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है, और उन क्लिप्स को देखने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, S22 का कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, किस तरह के कलर ही प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हो, जो आपके सामने फोटोज़ अभी दिख रही है, मैं सभी के सभी फोटोज़ S22 के कैमरे से ही ली गई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये 4K 60 FPS में है सैमसंग S22 में। आप चेक कर सकते हो कि किसका स्टेबलाइजेशन कैसा वर्क कर रहा है। तो अब बात आती है कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैमरे को ध्यान में रखते हुए। देखो, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो यह है कि आप फ़ोन ये फोटो के पर्पज़ से लेना चाहते हो, दूसरी बात है या वीडियो के पर्पज़ से लेना चाहते हो। तो फोटो की क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई इंसान 40,000 रुपये लगा रहा है, आई थिंक तुम्हें किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इससे अच्छे अच्छे फोटोज़ जो आपको, उनसे भी आप निकाल सकते हो। आजकल ना क्या है ना, एंड्रॉयड के अंदर फोटोज़ की क्वालिटी ऐसी है कि थोड़ी सी एडिट करके ना आप वही सेम फ़ोटो क्वालिटी आप 10-15 हज़ार रुपये के सस्ते फ़ोन से भी आप ले सकते हो, वो सेम फ़ोटो क्वालिटी। थोड़ा सा बस आपको एडिट करना पड़ेगा। तो फोटोज़ को तो ऐसा हिसाब है, इतना बिग डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा कि आप फोटो के पर्पज़ से आप इतना महंगा फ़ोन लो। दूसरी बात आती है कि आपको ये फ़ोन वीडियो के पर्पज़ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि आप यूट्यूब पर वीडियो डालना चाहते हो, ठीक है, या आपका कोई अदर सोशल मीडिया का पर्पस है वीडियो बनाने के पर्पस से। तो यदि आप यूट्यूबर हो या कोई आप फेसबुक पर वीडियो डालते हो, तो अगर उस पर्पस की बात की जाए, हमारे दिमाग में एक चीज घूमेगी, यार ये तो फोन तो 8K तक शूट कर सकता है, 30 FPS तक। तो देखो, ये गिमिक है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, 4K 60 FPS इसका बहुत अच्छे से काम करता है, ये भी बात सच है। लेकिन अगर वीडियो की बात की जाए ना, और 40,000 रुपये के आसपास आपको कोई फ़ोन लेना हो वीडियो पर्पस से, चाहे आपको यूट्यूब पर वीडियो डालनी हो चाहे किसी और पर्पस हो, तो मेरा तो आपसे रिकमेंडेशन यही होगा कि आप आईफोन की तरफ जाओ, जो इस रेंज में आपको मिल रहा हो। आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है ना यार, उसकी जो पिक्सल्स है उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है एंड्रॉयड के फ़ोन से। मतलब आप कभी शूट करना वीडियो, एक फ़ोन की वीडियो आईफोन से होगी जबकि दूसरी वीडियो इस एंड्रॉयड से होगी, मतलब S22 से होगी, तो आप पाओगे कि आपको जो क्वालिटी है ना, थोड़ा आईफोन की आपको अच्छी दिखेगी। और पर्पज़ के हिसाब से ये फ़ोन बहुत अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, इसकी जो अदर जो इसकी फीचर्स है फ़ोन के अंदर वो भी आपको बहुत अच्छे प्रोवाइड कर रहा है फ़ोन। लेकिन 2024 में देखा जाए तो ये फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्राइस रेंज में। तो यही था इस वीडियो में, आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद